महिला पार्षद के साथ की अभद्रता, भाजपा नेता हुए जमा की घोर निंदा। मामला फिरोजाबाद में आज एक महिला पार्षद रेखा यादव के साथ कुछ लोगों द्वारा अभद्रता की गई। पीड़ित महिला पार्षद रेखा यादव ने कुछ लोगों पर आरोप लगाया है कि उनका कुछ लोगों से पैसे का लेन देन था, जिसको लेकर वह कई बार उनके घर पहुंची। लेकिन जब आज वह फिर उनके घर पैसे लेने को लेकर पहुंची, तो आरोपी द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई। अभद्रता की शिकायत पर पहुंची पुलिस और भाजपा नेता इस घटना की घोर निंदा की और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। भाजपा पार्षद के साथ हुई इस तरह की अभद्रता पर भाजपा नेताओं ने काफी घोर निंदा की। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। क्या मामला है जो कि आज यहाँ पर आए उत्तर थाने में? उत्तर थाने में इसलिए आए थे भाई, हमारा पैसे का लेन देन था, हम उनसे उनके घर गए थे पैसे मांगने, तो उन्होंने हमारे अभद्रता की, धक्का वक्का दिया, उसमें से मारने का हथियार निकाल लिया, हमारे हस्बैंड के ऊपर हथियार रख दिया, हमारे बहनी के ऊपर और हमारे ऊपर धक्का मार दिया, हमको बहुत बदतमीज दी हमारे साथ। किसने, कौन थे वो, क्या नाम है? राजू, उसका भाई रामकिशोर वर्मा। कहाँ के रहने वाले? ये बर्फ खाने चौराहे। वो तो राजकुमार तो यहीं बैठा हुआ है, राजू रामकुमार रामगोपाल वर्मा। गिरफ्तार किया है, क्या किया है, किस प्रकार के रुपए के लेकर आपके साथ ये हुआ था? अरे हमने चीज ली थी, मामला ये हमारी ये महिला पार्षद है रेखा यादव, जो हमारी निर्वाचित पार्षद है, उनके साथ व्यक्ति के पैसे का लेन देन था। वो अपने पैसे के तबादले के लिए उसके आवास पर जब गई थी, तो उसकी माँ से जब बात कर रही थी, उसी समय राजू नाम के व्यक्ति ने उनके साथ अभद्रता की, हाथापाई की, धक्का मुक्की हो गई और उसने जान से मारने की नीयत से, जैसा वो बहन जी बता रही है, उसने फिर ये मामला जब बढ़ा, मौके पर पहुँचे तो आपस में धक्का मुक्की हो गई और उसने मौके पर पुलिस को फोन करके पुलिस को बुला लिया। पुलिस निर्वाचित पार्षद रेखा यादव को उनके मौके से उनको गिरफ्तार कर लाई, जिसके लिए हम लोग यहाँ आए। पुलिस ने आज रेखा यादव जी के साथ जो कुछ किया है वो निंदनीय करते हैं। एक निर्वाचित प्रतिनिधि के साथ किसी भी तरीके से जो व्यवहार हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, ये निंदनीय है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए उच्च अधिकारियों से बात करेगी, पूरा संगठन अधिकारियों से मिलेगा, इस घटना के संदर्भ में बात करेंगे। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, रेखा यादव जी का जो पैसे का लेन देन है, वो आज से 4-5 दिन पहले उन्होंने सीओ साहब के यहाँ भी अपना प्रार्थना पत्र दिया हुआ है पूर्व से ही। जब उनका प्रार्थना पत्र पूर्व से लगा हुआ है, तो वर्तमान में जो परिस्थितियाँ बनी और स्थिति जो उत्पन्न हुई वह नहीं होनी चाहिए थी। मैं इस पूरे घटना चक्र की निंदा करता हूँ और अपने निर्वाचित पार्षद रेखा यादव के साथ पूरा संगठन खड़ा हुआ है, जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो हम उनके साथ कराएंगे। आज जो आप थाने में आए, क्या कार्रवाई की गई है उन लोगों के खिलाफ? पार्षद जी के द्वारा शिकायत दी गई है और जो शिकायतकर्ता जिससे पैसे लेने थे और उसके भाई ने जो अभद्रता की, उसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के लिए हमने शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है।